तो कारवेर की तरफ से मेरे पास ये प्लेट आई है, वाइब्रेशन रिड्यूस प्लेट, और इसको खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और वाइब्रेशन रिड्यूस किस तरह होगा, ये सब चीज़ें आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आइटम है। तो सबसे पहले कारवेरी वाइब्रेशन रिड्यूस प्लेट और डब्बा कुछ इस टाइप से है, और ऊपर आपको दिखाई गई है एक प्लेट और कुछ स्प्रिंग है। डब्बे को खोल देते हैं और इसके अंदर कुछ बिल दे रहे हैं इसका, और पूरा गाइड दिया है कैसे इसको लगा सकते हैं, कैसे ये काम करेगा, और इसका बिल दे रखा है कितने का ये पड़ेगा। तो इसे साइड कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर ये प्लेट, कुछ इसके से पैकिंग ना रखिए, इस डब्बे को भी अलग कर देते हैं। और ये रहा इसका पेपर के अंदर एक पेपर रोल, और फाइनली ये रही वो प्लेट। और इस प्लेट के अंदर देखेंगे हम तो प्लेट देखने में सेम है बिल्कुल, मगर इसके अंदर एक यहाँ पे रूलर बेयरिंग लगा रखा है, देख सकते हैं आप। और ये इसकी एक कोन है या डावल बोल सकते हैं, और एक स्प्रिंग दे रखा है, और इसके अंदर पहले से ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है कि इसको किस तरीके से फिट करना है, पर यूट्यूब पे अभी तक का किसी ने ये नहीं बताया कि इसको किस तरह फिट करना है। ये स्प्रिंग अंदर की साइड रहेगा या बाहर की साइड रहेगा ये किसी ने नहीं बताया। ये प्लेट इस तरह लगती है या इस तरह लगती है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए ये आपको जो कारवेर की ऑनलाइन वेबसाइट है, वेबसाइट पे 3000 कुछ रुपए का मिलेगा, और मैंने बात करी थी, मेरे को उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दिया, और ये प्लेट देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और देखेंगे ये इस तरीके से किस तरह फिट होगी। ये मेन है ये प्लेट किस तरह फिट होती है, क्योंकि इससे पहले यूट्यूब पे शायद ही किसी ने डिटेल में ये बताया कि इसको किस तरह फिट करना है। इवन कारवेरी वालों ने खुद उसको लगा के दिखाया है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको किस तरह फिट करना है। और कुछ चीज़ें सिर्फ एक मिस्टेक आपकी और पूरा ये प्लेट का कोई काम ही नहीं रहेगा। आप पूरी प्लेट फिट करते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो ये किसी काम की नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका वीडियो देखना है फिटिंग का, कि कैसे फिट किया जाता है और क्या इससे वाकई में रिड्यूस होगा वाइब्रेशन। ये सारा अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और फिलहाल मैं ये देखना ही चाह रहा था कि कैसा है। मेटल काफ़ी अच्छा है, ये खुद बना रखा है इन्होंने, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। बैरिंग कितना बाहर कितना अंदर रहना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है या नहीं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।